सब्सक्राइब कीजिए testanddrive.in चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट ऑटोमोबाइल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। महिंद्रा अर्जुन नोवो 605 DI आई वर्सेस फॉर्मट्रैक 855 क्लासिक और T20। किसान भाइयों, मैं आज आपको इन दोनों की तुलना करके बताने वाला हूं कि आखिर इन दोनों ही ट्रैक्टर में अंतर क्या है, क्योंकि ये दोनों ही ट्रैक्टर भारतीय कंपनी के हैं और भारत में ही बने हुए हैं। और मैं हूं आपका दोस्त रोहित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल testanddrive.in पर। और हाँ, मैं इस वीडियो में सिर्फ ये बताने वाला हूं कि कौन से ट्रैक्टर का इंजन, ट्रांसमिशन, क्लच, PTO, ब्रेक ज्यादा बेहतर है और क्यों। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों ही ट्रैक्टर में कौन सा इंजन, ट्रांसमिशन, क्लच, PTO, ब्रेक दिया है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, मैंने इन दोनों ही ट्रैक्टर पर अलग से वीडियो बनाई हुई है। वैसे तो फॉर्मट्रैक 855 HP का ट्रैक्टर है, लेकिन महिंद्रा अर्जुन नोवो 605 DI जो की 57 HP का ट्रैक्टर है और फॉर्मट्रैक 855 की तुलना में एक दो श्रेणी ऊपर ही आता है, फिर भी दोनों ही ट्रैक्टर लगभग समान ही कीमत में मिल जाते हैं। तो आज हम इन दोनों ही ट्रैक्टर की तुलना करके देखने वाले हैं कि क्या अंतर है इन दोनों ही ट्रैक्टर में और कौन सा ट्रैक्टर किस पर भारी है और क्यों। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों के इंजन की। तो दोस्तों, फॉर्मट्रैक 855 में फॉर्मट्रैक का 55 HP का 3680 cc का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है जो 1850 RPM पर चलकर लगभग 200 Nm का टॉर्क पैदा करता है। और वहीं महिंद्रा अर्जुन नोवो में महिंद्रा का 3531 cc का 57 HP का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है जो 2100 RPM पर चलकर लगभग 238 Nm का टॉर्क पैदा करता है। इसका मतलब यह है कि दोनों ही ट्रैक्टर में एक अच्छा खासा भारी भड़क इंजन लगा हुआ है जो खुद के दम पर ही अच्छा खासा टॉर्क पैदा करता है, वो भी लो RPM पर। मतलब साफ है, लो RPM मतलब कम डीजल खपत। फिर भी नोवो का इंजन थोड़ा ज्यादा पावरफुल है क्योंकि वो ज्यादा टॉर्क देता है। डीजल खपत भी लगभग दोनों ही ट्रैक्टर की समान ही है और हमारे विश्लेषण में भी दोनों ही ट्रैक्टर ने लगभग समान ही डीजल खपत की, क्योंकि दोनों ही बड़े इंजन है इसलिए बगैर टर्बो के भी कम से कम RPM पर अच्छी खासी टॉर्क पैदा करते हैं। मतलब साफ है, नो टर्बो प्लस लो RPM इज इक्वल टू कम से कम डीजल खपत। बाकी इन दोनों ही इंजन में कुछ छोटे मोटे अलतुए लगाकर बड़े बड़े नाम देकर रखे हुए हैं, तो हमें इन सब चीजों से क्या लेना देना। ये सब कंपनी की प्रॉब्लम है कि कंपनी कैसे अपने इंजन को ठंडा करती है और कैसे उसे रिलायबल बनाती है लंबे समय के लिए। हम तो बस ये जानेंगे कि कौन सा ट्रैक्टर कम डीजल खपत में ज्यादा से ज्यादा टॉर्क और ज्यादा से ज्यादा काम निकाल के देता है, क्योंकि दोनों ही ट्रैक्टर अपने आप में काफी भरोसेमंद और मजबूत मशीन है भारतीय बाजार में। ट्रांसमिशन की बात करें तो नोवो का गेयरबॉक्स ज्यादा स्मूथ लगा मुझे गियर बदलने में फॉर्मट्रैक की तुलना में, जबकि नोवो में 18 गियर मिलते हैं और वहीं फॉर्मट्रैक में 2 गियरबॉक्स मिलते हैं। पहला है 10 गियर वाला गियरबॉक्स और दूसरा है 20 गियर वाला गियरबॉक्स। मतलब साफ है, अगर आप फॉर्मट्रैक 655 T20 लेते हैं तो नोवो 605 DI से थोड़ा सा ज्यादा बेहतर है, और अगर 10 गियर वाला क्लासिक लेते हैं तो वो बहुत फीका है नोवो की तुलना में। और दोनों ही ट्रैक्टर डुअल क्लच के साथ आते हैं, जबकि नोवो में सस्पेंडेड टाइप क्लच पेडल मिलता है और वहीं फॉर्मट्रैक में भाई पुराने पुश टाइप क्लच पेडल। और नोवो में 12 इंच की क्लच प्लेट मिलती है और PTO के लिए 11 इंच की, और फॉर्मट्रैक में दोनों ही 11 इंच की क्लच प्लेट मिलती है। मतलब नोवो का क्लच ज्यादा टिकाऊ और बेहतर है फॉर्मट्रैक 655 की तुलना में। PTO की बात करें तो नोवो में 50.3 HP की PTO है और वहीं फॉर्मट्रैक 655 में 46.3 HP की PTO मिलती है। नोवो में PTO क्लच के लिए अलग से क्लच लीवर है सीट के साइड में, जबकि 655 में मेन क्लच पेडल में ही PTO क्लच दिया हुआ है। फॉर्मट्रैक में मल्टी स्पीड PTO मिलती है और दोनों ही ट्रैक्टर में रिवर्स और फॉरवर्ड PTO मिल जाती है। मतलब कि फॉर्मट्रैक की PTO में फीचर्स ज्यादा हैं और वहीं नोवो की PTO ज्यादा पावरफुल है। हाइड्रोलिक की बात करें तो नोवो में 2200 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी वाली हाइड्रोलिक दी गई है, जबकि फॉर्मट्रैक 650 में 1800 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी वाली हाइड्रोलिक मिलती है। और दोनों में ही ऑटोमेटिक ड्राफ्ट एंड गिराई कंट्रोल सिस्टम मिल जाता है अलग अलग नाम से। मतलब नोवो की हाइड्रोलिक ज्यादा पावरफुल है। अब बात करें दोनों के ब्रेक की, तो दोनों में ही तेल में डूबे हुए मल्टी डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाते हैं। मतलब दोनों के ही ब्रेक की कैपेसिटी और टिकाऊपन और रखरखाव पर आने वाला खर्चा लगभग समान ही है। टायर की बात करें तो दोनों ही ट्रैक्टर के टायर लगभग समान कैपेसिटी वाले हैं और दोनों में ही एडजस्टेबल फ्रंट हैवी एक्सल मिल जाता है। सीट की बात करें तो नोवो में 4-way एडजस्टेबल डिलक्स सीट मिलती है, जबकि फॉर्मट्रैक 655 में 2-way एडजस्टेबल डिलक्स सीट मिलती है। नोवो में फ्लैट प्लेटफॉर्म मिलता है, जबकि फॉर्मट्रैक 655 में वही उबड़ खाबड़। वारंटी की बात करें तो फॉर्मट्रैक में 5 साल और 5000 घंटे की वारंटी मिलती है और वही नोवो में 3 साल और 3000 घंटे की वारंटी मिलती है। और ये प्राइस मैंने मेरे यहाँ MP से लिए हैं। मेरे यहाँ नोवो 710000 में मिल जाता है और वहीं फॉर्मट्रैक क्लासिक के लिए 730000 और T20 के लिए 760000 तक मिलता है। और मैंने यहाँ ट्रैक्टर की सभी खास खास चीजों की तुलना कर दी है आपकी सहूलियत के लिए। बाकी अब फाइनल डिसीजन आपका रहेगा और आप भी कमेंट करके बताएं कि दोनों में से कौन सा ट्रैक्टर ज्यादा बेहतर है और क्यों। और हाँ, मैं लुक्स की और सर्विस की बात इसलिए नहीं करता क्योंकि लुक्स आपकी पसंद पर निर्भर करता है और सर्विस आपके एरिए पर, क्योंकि भारत में कई जगह ऐसी भी है जहां से सर्विस कराने के लिए 200-250 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इसलिए ट्रैक्टर वही खरीदें जिसकी सर्विस आपके आसपास आसानी
आसानी से मिल जाए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें testandripe.in चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। धन्यवाद।